हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिल्टर विद कस्टमाइज्ड कंडीशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा अरेंज करना, और सॉर्टिंग डेटा एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सॉर्टिंग की हेल्प से हम डेटा को रीअरेंज करते हैं, इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल में सॉर्टिंग का यूज कर सकते हैं। सॉर्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम टेबल सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। देन डेटा ऑप्शन, डेटा ऑप्शन में हमारे पास सॉर्ट है, और यहाँ पे हम कॉलम सिलेक्ट करेंगे। हमने लिया हुआ है सिटी, तो सिटी वाइज हम इसको सॉर्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है वो ए टू जेड होती है, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो डेटा सॉर्ट हो चुका है। इसी तरीके से हम अलग अलग फील्ड के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर हमें सैलरी वाइज करना है तो हम सैलरी सिलेक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो सैलरी के अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर हमें सीनियोरिटी लिस्ट देखनी है तो हम डेट ऑफ जॉइनिंग के हिसाब से डेटा सॉर्ट कर सकते हैं, तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट डेटा सॉर्ट हो जाएगा। और अगर हमें एक से ज्यादा फील्ड रखनी है तो हम लेवल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हमें सिटी वाइज डेटा सॉर्ट करना है और उसके साथ ही साथ नेम वाइज भी डेटा सॉर्ट करना है, तो हम लेवल ऐड कर सकते हैं सिटी एंड देन नेम। तो ये जो डेटा सॉर्टिंग हुई है वो सिटी एंड नेम वाइज हुई है। जैसे यहाँ पे हमने एक लेवल एक्स्ट्रा ऐड किया, उसी तरीके से हम दो और तीन लेवल भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही डिस्प्ले कराना। जैसे अगर हमारे पास कोई कंडीशन दी हुई है तो हमें वही डेटा शो होगा जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और बाकी डेटा हाइड हो जाएगा। तो जिस भी टेबल पे हमें फिल्टर ऑप्शन लगाना है, सबसे पहले हम उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, और फिल्टर ऑप्शन भी डेटा टैब में ही होता है, तो यहाँ से हम फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे तो पूरी टेबल में फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम फिल्टर करते हैं टेक्स्ट फिल्टर, जहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, इक्वल्स, डस नॉट इक्वल्स, बिगिन विथ, एंड विथ। बिगिन विथ एस जब हम लिखते हैं तो रिकॉर्ड शो होगा जिसका नेम एस से स्टार्ट होता है। तो दो नेम हमको यहाँ पे मिले हैं जो एस से स्टार्ट होते हैं। इसी तरीके से हम कंटेंस का यूज कर सकते हैं, मीन्स जिनके नेम में, सपोज हम टी ले रहे हैं, जिनके नेम में टी आएगा वो रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। तो आया है आरती और अनिकेत। एक बार में हम दो फील्ड में भी फिल्टर लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे फीमेल ले रहे हैं तो सिर्फ आएगा आरती। तो दो फिल्टर यहाँ पे हैं, एक तो नेम फिल्टर हमने लिया है और जेंडर से भी लिया हुआ है। क्लियर कर देंगे फिल्टर को तो हमें फुल टेबल मिलेगी। इसके बाद हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग को फिल्टर करेंगे। डेट फिल्टर में अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग दो लोगों की है। उसी तरीके से हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं, 5/6/2018 से लेके 5/6/2020 के बीच में कितने लोग ज्वाइन हुए हैं ये हम देख सकते हैं। तो इतने लोग जो हैं वो इन दो सालों के बीच में ज्वाइन हुए हैं। इसी तरीके से हम सैलरी में फिल्टर दे सकते हैं जो कि नंबर फिल्टर होगा। अभी हमने टेक्स्ट फिल्टर देखा, डेट फिल्टर देखा, उसी तरीके से नंबर फिल्टर होता है। सपोज हम ले रहे हैं ग्रेटर देन, तो जिसकी भी सैलरी 50,000 अबो होगी वो रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरे ऑप्शंस ले सकते हैं, जैसे कि अब हम ले रहे हैं बिटवीन। इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 मीन्स सैलरी 50,000 से ग्रेटर होगी और 55,000 से कम होगी। तो जिनकी भी सैलरी इस रेंज में आएगी वो रिकॉर्ड यहाँ पे विजिबल होगा। फिल्टर को डिसलेक्ट करेंगे तो फुल टेबल हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है।
नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांस फिल्टर। इसके पहले जो हमने बेसिक फिल्टर किया था उसमें जो फिल्टर रिकॉर्ड था वो उसी प्लेस पे डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन जब हम एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं तो हम फिल्टर रिकॉर्ड को किसी और लोकेशन में भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्राइटेरिया पहले से लिखा हुआ है। जब हम क्राइटेरिया लिखते हैं तो हेडिंग के साथ लिखते हैं। यहाँ पे हम दो क्राइटेरिया के लिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, डिपार्टमेंट HR और सैलरी इज लेस देन 50,000। तो जब हम एडवांस फिल्टर अप्लाई करते हैं तो टेबल के अंदर का कोई भी सेल, कोई भी एक सेल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली फुल टेबल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे फुल टेबल सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद हम देते हैं क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया हम रख रहे हैं डिपार्टमेंट HR। दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस एंड कॉपी टू अनदर लोकेशन। अभी हम इन प्लेस कर रहे हैं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, तो जो भी हमें रिकॉर्ड मिलेगा फिल्टर होके वो इसी जगह पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सैलरी के लिए, तो लिस्ट रेंज में फुल टेबल है और क्राइटेरिया रेंज हम यहाँ पे इस बार देंगे सैलरी इज लेस देन 50,000 और इस टाइम हम सिलेक्ट करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। और कॉपी टू अनदर लोकेशन बोला है तो सेल का एड्रेस देना पड़ेगा कहाँ पे हमें कॉपी करना है, देन ओके। तो ये जो लिस्ट हमें मिली है, ये लिस्ट हमें मिली है जिनकी सैलरी लेस देन 50,000 है। तो इस तरीके से हम एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। एडवांस फिल्टर में हम एक से ज्यादा क्राइटेरिया भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्राइटेरिया लिया हुआ है डिपार्टमेंट HR एंड सिटी पुणे, तो एडवांस फिल्टर अप्लाई करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज जब लेंगे तो इन दोनों को ही सिलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट एंड सिटी, और अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। तो यहाँ पे जो हमें रिकॉर्ड मिला है वो रिकॉर्ड ये है कि डिपार्टमेंट HR है और सिटी पुणे है। इसी तरीके से हम न्यू शीट पे भी रख सकते हैं फिल्टर रिकॉर्ड को। तो जो ब्लैंक शीट है हमारे पास उसमें हमें एडवांस सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लेते हैं लिस्ट रेंज जो कि हमारी दूसरी शीट में है। तो इस शीट पे आके हमको लिस्ट रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज भी हमारी उसी शीट पे है, तो यहां से हम क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करेंगे। कॉपी टू अनदर लोकेशन देना पड़ेगा और ये जो ब्लैंक शीट हमारे पास है इसमें हम सिलेक्ट करेंगे लोकेशन जहां पे हमें फिल्टर रिकॉर्ड रखने हैं। तो इस तरीके से हमें एक नई शीट पे फिल्टर रिकॉर्ड मिल जाएंगे। यहाँ पे ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जब हम अनदर लोकेशन पे फिल्टर रिकॉर्ड को रखते हैं तो हमें नई शीट पे जाके एडवांस फिल्टर ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि जो शीट हम लेते हैं जहाँ पे हम एडवांस फिल्टर यूज कर रहे होते हैं वो एक्टिव शीट होनी चाहिए। तो पहले हमें ब्लैंक शीट पे आना है और उसके बाद हमें एडवांस फिल्टर अप्लाई करना है। एक्सेल में बहुत सारे शॉर्टकट कीज अवेलेबल होते हैं और जो फिल्टर ऑप्शन हमने आज डिस्कस किया है उसको हम शॉर्टकट की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो जब हम ऑल्ट की प्रेस करते हैं तो हमें सारे शॉर्टकट पता चल जाते हैं, जैसे कि ऑल्ट एफ फाइल के लिए है, ऑल्ट एच होम के लिए है, ऑल्ट एन इंसर्ट के लिए है एंड सो ऑन। तो डेटा के लिए ए है, मींस जब हम ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो हम डेटा टैब में आ जाएंगे। और फिल्टर के लिए टी है, तो जब हम ऑल्ट ए टी प्रेस करते हैं तो फिल्टर अप्लाई हो जाता है। जैसे ये फिल्टर अप्लाई हो गया, और अगर हमें फिल्टर हटाना है तो हम एक बार और ऑल्ट ए, तो इस तरीके से फिल्टर अप्लाई करने का जो शॉर्टकट है वो ऑल्ट ए टी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।